वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। उदयपुर की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। अभी ये घटना शांत ही नहीं हुई था कि राजस्थान से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सभी को हैरान कर दिया। यहाँ बाइक से आए सुहेल, वसीम, पठान और यामिन ने पंकज को चाकुओं से हमला कर दिया, जिसके बाद उसे 20 टाके लगे। इसके बाद राजस्थान पुलिस आनंद फानंद में इन जिहादियों को, इन जो जाहिल मानसिकता के हैं, इनको धर दबोचा, तो इसके बाद और चौंकाने वाले खुलासे हुए। राजस्थान की राजमंजित पुलिस ने पंकज नाम के एक युवक को चाकू मारने के आरोप में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के नाम यामीन, वासीम, वसीम पठान और सुहेल खान है। आरोप है कि इन चारों ने होटल में खाना खा रहे पंकज पर मामूली कहा सुनी के बाद चाकुओं से हमला कर दिया। पुलिस ने इस गिरफ्तारी की जानकारी 1 जुलाई को दी है। घटना थाना राजगीर क्षेत्र की है। पीड़ित पंकज ने घटना की जानकारी देते हुए क्या कहा, ये भी सुनिए। मैं और ये मेरा दोस्त दोनों पिपड़ा गए थे दादा के होटल पर दाल बाटी खाने के लिए। तो वहाँ पे क्या, हम लोग खड़े थे और 2 जने कोई आए थे तो दादा के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। तो हमने उनको रोका और बोला लड़ाई मत करो, तो वो क्या हमको गाली देने लग गए। इतने में हमारे बीच में बहस हो गई। फिर थोड़ी देर बाद वो चले गए, हम भी दूसरी होटल पर चले गए। 10-15 मिनट बाद वो वापस आए। वो जो दूसरी होटल पे हम गए थे ना, 4 जने आए थे, जिसमें से 3 जनों के पास चाकू था, आके मेरे ऊपर हमला कर दिया। वही राजस्थान पुलिस के मुताबिक घटना 26 जून की है, रात लगभग 10:30 की, जिसकी शिकायत थाने पर अगले दिन 27 जून को दी गई। पीड़ित पंकज की उम्र 27 साल है। घटना के दौरान पीड़ित के साथ कैलाश नाम के एक दूसरे दोस्त भी था। घटना की शुरुआत बाइक से आए 2 लड़कों द्वारा होटल मालिक के खाने को विवाद को लेकर शुरू हुई। इस दौरान पंकज उसके साथियों ने झगड़ा कर रहे लोगों को अलग किया। बाद में हमलावरों की संख्या ज्यादा हो गई और बीच बचाव करने वाले पंकज पर लात घुसे और चाकुओं से हमला कर दिया। पंकज के सिर, पीठ, हाथ, कंधे, बाजू, हर जगह गंभीर चोट आई है। इसके बाद आनंद फानंद में राजस्थान पुलिस ने एक्शन लिया और इन चारों को धर दबोचा। ब्यूरो रिपोर्ट, अमन, वीके न्यूज़।